हेलो, मेरा नाम परमवीर है। मैं देवली गांव न्यू दिल्ली से आया हूँ। मेरे को गले में प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे को गले में बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा था, तो मैंने डॉक्टर नरुका जी को दिखाया। उस टाइम पे मेरे को क्या हो रहा था कि मेरे को जब भी मैं कुछ खा रहा था, मेरे को वॉमिटिंग हो रही थी 1 हफ्ते तक। चेकअप से और अब इसकी सर्जरी से जो था, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और अब मैं काफ़ी बेटर हूँ। हेलो एवरीवन एंड गुड डे। माय नेम इज़ डॉक्टर जतिन आहूजा। आई एम एन कंसल्टेंट इन्फेक्शस डिजीजेस इन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए जो कि यंग बॉय, जिनको पिछले लास्ट 5-6 दिन से खाना खाने में दिक्कत आ रही थी। सो जब हमने फर्दर सीटी स्कैन करवाया, देन एट दैट टाइम वी केम टू नो दैट इट्स ए लार्ज एब्सेस इन द रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, यानी कि गले के पीछे वाले हिस्से में। राइट नाउ पेशेंट इज डूइंग वेल। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश सिंह नरुका है। मैं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में ENT विभाग में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत रेयर था। कुछ दिनों पहले परमवीर नाम से एक पेशेंट मेरे पास आया जो 5-7 दिनों से खा नहीं पा रहा था और उल्टी ही उल्टी किए जा रहा था। जब मैंने उसके गले का एग्जामिनेशन किया तो गले के पिछले हिस्से में मेरे को बहुत बड़ी एक स्वेलिंग दिखाई दी जो गले के रास्ते को बिल्कुल बंद किए हुए थी। पेशेंट को इसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। हमने पेशेंट को तुरंत सर्जरी के लिए लिया। सर्जरी में हमने जब पस निकाला और पस को एग्जामिनेशन के लिए भेजा तो उस पस में TB का बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आया। TB का बैक्टीरिया गले के पिछले हिस्से में इस तरह का प्रेजेंटेशन अपने आप में एक बहुत दुर्लभ है। TB का बैक्टीरिया हमेशा बहुत लंबी हिस्ट्री के साथ आता है। 5 से 7 दिन की एक्यूट हिस्ट्री जिसमें पेशेंट खा पी नहीं पा रहा था, वज़न कम हो गया अचानक से और उल्टियां करने लगा। हमने इस एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर जतिन आहूजा, जो कि हमारे यहाँ के ID स्पेशलिस्ट हैं, उनकी मदद ली। डॉक्टर जतिन आहूजा ने जैसे ही पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स देखे, उन्होंने तुरंत उनकी ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ स्टार्ट की। अभी पेशेंट को ठीक हुए 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से ज़्यादा वो मेडिसिन ले चुका है। सारे सिम्टम्स उनके लगभग ख़त्म हो गए हैं। पेशेंट अच्छे से खा पी पा रहे हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में हैं। थैंक यू सो मच।